नमस्कार। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास दिया हुआ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हमने शो करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब जहां जहां x है अगर वहां पर y कर दिया जाए तो ये f ऑफ y बन जाएगा सारा का सारा। जहां जहां भी आपके पास x है यहाँ y कर दिया, y y y एंड y, तो ये आपके पास f ऑफ y आ गया। इस तरह f ऑफ x प्लस y, तो जहां जहां x है वहां पर x प्लस y लिख देंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा f ऑफ x प्लस y में। जहां जहां भी x प्लस y है ये इसमें हो जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स इसकी और इसकी, इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो इक्वल टू ए वाला आएगा। ए करेंगे हम इसमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। इसमें आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स लिख दिया हमने, एफ ऑफ वाई लिख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसमें, तो मल्टीप्लीकेशन में फिर वही कि हम यहां से इधर को करेंगे और उधर से नीचे को करेंगे। तो इट मीन्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई बन गया, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन वाई बन गया, 0 इंटू 0 इज 0 बन गया। इसी तरह से इसी रो का नेक्स्ट कॉलम को करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन हम, तो दिस विल कम कॉस एक्स माइनस साइन वाई, दैट इज माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई बन गया, एंड 0 की 0 के साथ गुणा की तो ये 0 आ गया। इसी तरह फिर इसके लास्ट वाली इसके साथ कर दी गुणा, तो दैट इज फर्स्ट इंटू 0 इज 0, दिस इंटू 0 इज 0, दिस इंटू 1 इज 0, तो ये सारा इस तरह आ गया। फिर इसी तरह से आप सेकेंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड की सेकंड के साथ और सेकंड के थर्ड के साथ, और लास्ट में फिर ये लिख देंगे सारी इस तरह से इसमें सेकंड में, और लास्ट दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो सारे 0 0 0 है तो सारी 0 बन गई, नेक्स्ट 0 0 1 इंटू 0 भी 0 बन गए, एंड लास्ट वन इज 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, एंड 1 इंटू 1 इज 1, ये आ गया आपके पास 1। इस तरह से होगी। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव अगर कॉमन निकाल देंगे तो बन जाएगा साइन एक्स या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे दोनों की तो आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट 0, यहां भी सेम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और यहाँ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0। तो अब देखेंगे आप जो हमने पीछे देखा था इसमें ऊपर, अब यहां देखिए आप देखिए ए ऐसा बन गया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जैसा। देयरफॉर दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट मैट्रिसेस दिए हुए इन दो की मल्टीप्लिकेशन, एक को अगर ए माने आप एक को बी, तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इस तरह से देखते हैं दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके, फर्स्ट लिख देते 5 माइनस 1 6 7 2 1 3, तो यहां भी हम इधर से इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे गुणा, तो 5 2 10 माइनस ऑफ 3, 10 माइनस 3 आ गया। सेकंड को 5 1 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आ गया। इस तरह 6 और इसके करेंगे इधर पहले 6 2 12 प्लस 3 7 21, फिर इसकी नेक्स्ट के साथ करेंगे 6 1 6 7 2 28, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 1 33 34 बना ए बी। अब उल्टा करेंगे, जैसे मान लिया हम बी पहले ए बाद में, तो ए इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो यह बन जाएगा 2 5 10 1 6 6, एंड इसी के आगे साथ -2 प्लस 7, एंड यहाँ 3 की इसके साथ 15 एंड 24, और 3 की -1 के साथ -3 एंड 28, तो बन गया 16 और 5 39 25,
अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फर्क है बहुत, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। अब इसमें भी यही है कि 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी भी मल्टीप्लीकेशन जो है बराबर नहीं है, ये हम सेम ऐसे ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसको बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया, इसमें ये पहले वाला लिखते हैं, दूसरा यहाँ भी सेम ऐसे होगा कि फर्स्ट वाले की फर्स्ट रो ली इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे को, दिस इज 1 -1 0 एंड 6 ये आ गया पहला, फिर इसी की नेक्स्ट के साथ करेंगे 1 2 -2 3 9 लिख दिया इधर, और 1 0 2 into 1 is 2 3 into 4 is 12 लिख दिया सर। इसी तरह सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड का भी करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ गई 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। अब उल्टा कर देंगे, इस वाले को पहले लिख देंगे इधर और ए इसको दूसरी जगह पे लिख दिया, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम उसी तरीके से की, तो इधर और इधर आप देखेंगे जब ये सारी मल्टीप्लिकेशन की तो ए इस तरह आया, तो आप देख रहे हैं ना ए ना ही ए बराबर है आपस में, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6i इफ ए इज इक्वल टू दिस के बराबर दिया हुआ है। अब पहला है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए ए दिया हमारे पास, ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए, वही इसकी रो इसका कॉलम उस तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने यहां सारी वैल्यूज पुट करनी है, ए स्क्वायर -5a + 6i, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहाँ ए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देयरफॉर आई भी 3x3 ऑर्डर का ही होगा, तो इनकी सबकी वैल्यू लेंगे हम पुट कर देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ये पुट कर देगा -5 -5 into a ये जो हमारे पास वैल्यू ए की है वो इधर दी, +6 into i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इसमें देखिए फर्स्ट तो वैसे ही लिखा हमने, यहाँ 5 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अंदर 5 से, प्लस यहाँ 6 से सबको मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अंदर। तो आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, फिर इनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ प्लस है तो एड हो जाएंगे, जैसे ये आ गया फर्स्ट एंट्री है इसकी 5 -10 + 6, तो ये लिख देंगे 5 -10 + 6, इस तरह नेक्स्ट -1 -0 + 0 दैट इज ये आ गया, नेक्स्ट इज 2 -5 + 0 ये आ गया, इस तरह सेकेंड रो के भी कर देंगे, थर्ड रो भी के भी कर देंगे, और हम देखेंगे कि ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम वैसा ही है जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 15 की हमने वैसे ही, इसमें ए क्यूब है, तो ए क्यूब ए स्क्वेयर हमने निकाला था, तो ए स्क्वेयर को ए से फर्दर गुणा कर देंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, ये आपके पास ए क्यूब आ गया, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वेयर आपने ए निकाला पहले ऊपर, तो पुट करेंगे वैल्यू सारी, ए क्यूब की वैल्यू आ गई इधर, -6 into a² की वैल्यू हमने a निकाली इधर, +7 into a की वैल्यू हमारे पास दी है, +2 into identity matrix, क्योंकि यहाँ a जो है वो 3x3 मैट्रिक्स था, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3x3 ही लेना पड़ेगा। तो अब इनको कैलकुलेट किया, दैट इज यहां -6 से मल्टीप्लाई कर दी सबको अंदर, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दी सबको, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर वही एड और सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट एंट्री इसकी इसकी भी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट, ये दिस इज 21, ये माइनस है -30, आगे +7 है और +2 है, इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 0 -0 + 0 + 0, और नेक्स्ट आगे फिर 34 -48 + 14 + 0, तो इस तरह कर देंगे, इसी तरह सारी इसकी एंट्रीज क्रॉसपोंडिंग प्लस से ऐड कर देंगे, प्लस या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 0 0 इसकी वैल्यू आ गई, दैट मींस 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमने इसमें प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर, 0 का प्रूव करना, ये हमने नीचे प्रूव करके बता दिया कि दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब नेक्स्ट
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए इज इक्वल टू दिस आई इज इक्वल टू दिस फाइंड स्मॉल के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई। ए दिया हमारे पास, एक तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो ए इंटू ए कर देंगे मल्टीप्लाई करके, वही इधर से रो उधर से कॉलम मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस आई। सारी वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू है तो ए पुट कर दी, इज इक्वल टू के ए की वैल्यू हमारे पास ये है ए के ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1001। अब के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज 3k माइनस ऑफ 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2 ये आ गए। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं इक्वल हो गए, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस दे आर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स 3k माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 1, तो 2 पर लेंगे तो 3, 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1। या आप किसी और को भी हल करते तब यही रहता, जैसे मान लीजिए सपोज अगला करते आप दिस वन माइनस 2k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 आ गए इस केस में, दिस वन माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां भी देखेंगे आप माइनस से माइनस कट जाएंगे एंड k इज इक्वल टू 2 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1, यहां से भी यही है। या अगला करते हैं आप 4k इज इक्वल टू 4, तो यहां से भी k इज इक्वल टू 4 बाई 4 इज 1। या इसको करते हैं माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2 एंड k इज इक्वल टू, यहां भी आपके पास 1 ही आता। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज इक्वल टू यदि आपके पास 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो दैट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई माइनस दिस मैट्रिक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसके बराबर प्रूव करना है हमें। अब देखिए इसमें आपके पास टेंजेंट दिया हुआ है और निकालना आपने कॉस के रूप में, तो देखिए अब कॉस और टेंजेंट के बीच वाला फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है यहाँ अल्फा है वहां एंगल हाफ है अल्फा बाई टू है, तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी है। टेंजेंट अल्फा बाई टू को मान लेना हमने इक्वल टू स्मॉल टी के बराबर, तो हमने फार्मूले पढ़े हुए साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए कैसा फार्मूला पढ़ा हमने, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा, इस टाइप का फार्मूला पढ़ा हुआ है अगर आपको याद है। जिसको नहीं पता या तो मैं बता देता हूं, आपने इस तरह का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, आपने पढ़ा है कि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा ऐसा सबने, एंड दैट इज इक्वल टू आई कैन राइट दिस एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 कर सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो नीचे 1 है आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा,
एंड नीचे दोनों को हम कॉस के थीटा से डिवाइड कर देंगे, दिस विल कम साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा एंड प्लस ऑफ कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा। यहां से बन गया हमारे पास एक कॉस कट गया, एक कॉस बच गया, एक साइन बच गया, दैट इज टू टेंजेंट थीटा। डिवाइड बाई और यहाँ साइन वटा कॉस ऊपर स्क्वेयर है तो दैट इज टेंजेंट स्क्वेयर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वेयर से कॉस स्क्वेयर कट गए तो दैट इज वन। तो इस तरह से बन गया फार्मूला दैट इज टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई वन प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। इस तरह से बना। तो हम जैसे यहाँ टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया इस तरह से। अब यहाँ देखिए एंगल हाफ है तो हाफ कर देते हैं हर जगह एंगल। यहाँ भी अल्फा डिवाइड बाई टू, अल्फा डिवाइड बाई टू, अल्फा डिवाइड बाई टू कर दिए। यहाँ ए टू और ए टू कट जाएंगे, दैट मीन्स आपके पास रह गया साइन अल्फा इज इक्वल टू टू टेंजेंट और अल्फा बाई टू, ये टेंजेंट अल्फा बाई टू हमने टी माना हुआ था, दैट इज टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। इसी तरह से कॉस टू ए का फॉर्मूला भी यही है, ये भी कॉस टू थीटा भी ऐसे निकलेगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा, जब साइन स्क्वेयर थीटा कर देंगे और इस तरह से ही डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा करेंगे आप, तो ये बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एंगल हाफ करना हमने, ए टू से टू कट जाएगा, जहां जहां मीन्स अल्फा था वहां पर अल्फा टू ले लिया हमने सभी में ही, इस तरफ भी और इधर भी, सॉरी इधर कॉस, दिस इज कॉस ऑफ टू अल्फा बाई टू, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस दिस इज टेंजेंट टी दैट इज वन माइनस, दैट इज वन माइनस ऑफ टी स्क्वेयर डिवाइड बाई वन प्लस ऑफ टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो ए लिया हमने इस तरह साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हमने प्रूव करना कि आई माइनस आई प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस स्क्वेयर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं दैट इज आई प्लस ऑफ ए। आई प्लस ऑफ ए जब हम लेंगे तो आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इन दिस केस, क्योंकि यहां जो ये ऊपर हमारे पास ए की वैल्यू है वो भी टू बाई टू में, तो आई प्लस से दैट इज वन जीरो जीरो वन प्लस जीरो माइनस टी, क्योंकि टेंजेंट अल्फा बाई टू ने टी मान लिया तो जीरो माइनस टी प्लस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री प्लस हो जाएगी, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो माइनस टी इज माइनस टी, जीरो प्लस टी इज टी एंड वन इज वन। इस तरह आई माइनस ए भी निकाल देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड में है आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा डिवाइड साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो देखिए इन सब की वैल्यूज हमने पुट कर दी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, टू टी अपॉन साइन अल्फा की और ए कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अब वही मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन यहां से इधर और यहां से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वन इंटू दिस इज दिस प्लस टी इंटू टू टी अपॉन दिस इज टू टी स्क्वेयर अपॉन दिस, सिमिलरली इसकी इसके साथ वही आगे और टी स्क्वेयर, फिर इसकी अगले वाले के साथ दैट इज वन इंटू माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर एंड इसकी टी इंटू इसके साथ गुणा होगी, तो ये लिख दिया हमने। इसी तरह निचले वाले की भी करेंगे तो इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ टी इंटू ये दिस इंटू दिस दैट इज ये आगे इधर इधर आगे इसके साथ, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा टू टी स्क्वेयर अपॉन दिस प्लस वन इंटू दिस इज ये आगे। इस तरह से ये हमारी अब देखिए इनको हल करेंगे हम, तो इस वाले केस में देखिए वन प्लस टी स्क्वेयर आपका एलसीएम आ गया तो यह बच गया वन माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी टू स्क्वेयर, टू टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कट गया एक टी स्क्वेयर बच गया प्लस का, तो वन प्लस टी स्क्वेयर वोटा वन प्लस टी स्क्वेयर स्क्वेयर, तो देखिए वन प्लस टी स्क्वेयर वोटा वन प्लस टी स्क्वेयर दैट इज वन और ए वन प्लस टी स्क्वेयर भी वन आ गया, और ये देखिए ये दोनों कट गया आपस में
और यहां भी ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू क्या बच गया, 1 माइनस टी बटा ये, सॉरी 1 माइनस टी एंड टी 1, क्लियर, एंड दैट इज द राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000. Okay, I think total money है 30,000 रुपए invest करना है दो different bonds में। एक bond 5% interest देता है हर साल और दूसरा 7% interest देता है हर साल। तो बोलता किस तरह से इसको invest करें कि आपको 1800 रुपए जो है इंटरेस्ट आए। चलिए पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो टोटल मनी हमारे पास 30,000 है, मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में जो 5% इंटरेस्ट दे रहा है उसमें एक्स कर दिए, तो बाकी मनी बच गया 30,000 माइनस ऑफ एक्स, इसको 7% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये फर्स्ट बॉन्ड आ गया, ये सेकंड बॉन्ड आ गया, ये फर्स्ट का इंटरेस्ट रेट आ गया, सेकंड का इंटरेस्ट रेट आ गया, हमें कितना इंटरेस्ट है इसमें इक्वल टू 1800। तो यहां भी देखिए वही आपके मल्टीप्लीकेशन एंड ये आ गया आपका यहां से इधर को और ऊपर से नीचे को, तो x इंटू दिस प्लस दिस इंटू 7/100 इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ए बी एक मैट्रिक्स का एक पार्ट आ गया, ए बी मैट्रिक्स का पार्ट आ गया, बाई क्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दिस होल इज इक्वल टू दिस के बराबर। यहाँ 100 एलसीएम आ गया और ऊपर की तरफ चला गया, तो 100 से वहां गुणा होगी, दिस इज 5x प्लस ऑफ 30,000 इंटू 7 दैट इज 22,10,000 माइनस ऑफ एक्स इंटू 7 इज 7x इज इक्वल टू इतने, तो 21,000 को उधर लेके पड़े 5x माइनस दिस 7x इज माइनस 2x एंड दिस इज माइनस 30,000, माइनस से माइनस कट जाएगी तो x इज इक्वल टू 15,000। मतलब अगर आप फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 करते हैं तो दूसरे में कितना हो गया 30,000 माइनस ऑफ 15,000, उसमें भी 15,000। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन है आपको 2000 इंटरेस्ट चाहिए, तब क्या करेंगे, तो फर्स्ट बॉन्ड वही है एक्स 5% वाला, दूसरा जो है 7% वाला, अब आपको 2000 चाहिए इंटरेस्ट, तो दोबारा फिर वही मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम ये इधर से उधर और यहां से नीचे को, तो दिस विल बी इक्वल टू इस तरह कर दी इक्वल टू दिस और इक्वल कर दिए दोनों, यहाँ 5x माइनस 7x इसको उधर ले जाएंगे पहले तरफ, तो यहाँ आपका 2 लाख में से 2,10,000 माइनस हो जाएंगे, तो -10,000 माइनस और माइनस कट जाएंगे, एक्स बराबर 5,000। इसका मतलब है पहले वाले में अगर 5,000 करेंगे आप तो दूसरे में 30,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000, तो इस तरह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,000 मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द बुकशॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइसेज आर रुपीज 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुकशॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब देखिए 10 dozen का मतलब 120 आपके पास केमिस्ट्री की बुक्स आ गई, 12 96 आपके पास फिजिक्स की आ गई एंड 12 120 आपके पास इकोनॉमिक्स की आ गई। इनके रेट्स हैं 80 रुपये केमिस्ट्री, फिजिक्स 60 रुपये एंड इकोनॉमिक्स 40 रुपये के हिसाब से। तो देखिए इनकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर से आप ऊपर से नीचे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपका टोटल अमाउंट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले इसमें दिया एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर्स 2×n, 3×k, 2×p, n×3 एंड p×k रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट आंसर। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब इसमें देखने में कौन सा आंसर है। अब देखिए पी का जो ऑर्डर है वो दिया हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ पी इज पी क्रॉस के एंड ऑर्डर ऑफ वाई कैपिटल वाई ऑर्डर इज 3×k, तो ये दोनों का ऑर्डर दिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तभी संभव होगी जब मान लिया
इज इक्वल टू आपके पास पी आई जे और इसका ऑर्डर दिया है पी क्रॉस ऑफ के एंड वाई आपके पास वाई आई जे और इसका ऑर्डर दिया हुआ है थ्री क्रॉस ऑफ के। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम और उसकी रोज बराबर होंगी, इट मींस के इज इक्वल टू थ्री, के इज इक्वल टू थ्री आ गया। अब P और Y अब जब मल्टीप्लीकेशन दोनों के कर देंगे तो इनका जो ऑर्डर बनेगा वो किस चीज के बराबर होगा, दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज पी क्रॉस ऑफ के, पी क्रॉस ऑफ के। लेकिन K की वैल्यू अभी निकाली हमने थ्री, दैट इज पी क्रॉस थ्री होगा, ठीक है। इसी तरह से W का ऑर्डर N क्रॉस थ्री दिया हुआ है, Y का ऑर्डर थ्री क्रॉस K दिया हमारे पास, तो यहां भी W और Y की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगी जब इसके कॉलम और उसके रोज दैट इज एन एन बराबर होंगे, दोनों एन एन बराबर होंगे। और इसमें से जो आपका डब्ल्यू वाई आएगा, डब्ल्यू वाई उसकी जो मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एन क्रॉस ऑफ के। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों के पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, तब प्लस होंगे। के के तो बराबर है, इसका मतलब है पी और एन भी बराबर होना चाहिए, देयरफॉर दैट मस्ट बी P इज इक्वल टू एन के बराबर होना चाहिए, P इज इक्वल टू एन के बराबर, या तो P क्रॉस थ्री होना चाहिए या फिर N क्रॉस थ्री इसके ऑर्डर होने चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ गया कि P इज इक्वल टू एन एंड K इज इक्वल टू थ्री, फर्स्ट इसका जो है वो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड 22 क्वेश्चन है, इफ N इज इक्वल टू P देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज। अब देखिए x का ऑर्डर दिया 2 क्रॉस n और z का दिया है ऑर्डर 2 क्रॉस p है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, रोज तो सेम है इट मींस कॉलम भी बराबर होना चाहिए, इट मींस n इज इक्वल टू p के बराबर, या तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर 2 क्रॉस n है या 2 क्रॉस p है, तो 2 क्रॉस n तो इधर है, 2 क्रॉस p नहीं, इट मींस b इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।